कहते हैं ना कि हुनर किसी का मोहताज नहीं होता है, कब किसको कहाँ लेकर चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग कहते हैं ना कि जब अधिकारी कर्मचारी और किसी के सम्मान पद पे एक हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं एक भावनाओं पे ठेस भी पहुँचती है। लेकिन उस भावनाओं को एक तरफ रखते हुए एक ऐसी महिला को कह लिया जाए, भारत की नारियों को आप लोग हमेशा कहते हैं कि एक सम्मान होता है, लेकिन उस भारत की नारी जब अपने आप में आ जाती है तो दिखा देती है कि देख टावर का पावर क्या होता है। आज हमारे बीच में है इनकम टैक्स, आप समझ सकते हैं, डर तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि छापा मेरे पे पड़ जाए, लेकिन छापा नहीं पड़ेगा क्योंकि एक मेरे साथ है। अब काहे का डर जब खुद जोरू मेरे साथ है। स्वागत है आपका। थैंक यू, और सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया पंडित पर्सनल है। अरे बाप रे बाप, प्रिया पंडित जी हैं। और प्रिया पंडित जी कुछ दिनों से काफी ट्रेंडिंग वायरल चल रही हैं बिहार में। भैया हम इस वक्त हैं और बिहार में ना अगर किसी को वायरल होना है तो कुछ भी कुराफात कर लीजिए, प्रिया पंडित कुराफात करती हैं और अपने आप में दिखा देती हैं कि देख मेरी औकात क्या है। अगर प्रिया पंडित जी बात किया जाए, कब से ये सब करने लगी आप? देखिए मैं तो एक साल से रील्स बनाती हूँ, लेकिन पहले मैं रील्स नहीं बनाती थी। रील्स मेरे को यही 8-9 महीना हो रहे बनाते हुए। पहले मैं अपना गाना उना गाती हूँ तो अब गाना उना डालती थी, धीरे धीरे लोगों का देखा देखी मैं भी लिप सिंक करके डालने लगी। अरे बाप रे बाप, मतलब गाना गाती थी, शुरुआती दौर आपका गाना था, तो बचपन से शौक है कि शादी होने के बाद शौक आया? सिंगर बनने का तो मेरा बचपन से शौक है, और सिंगर बनने के मकसद से ही मैं सोशल मीडिया पे आई थी, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने देखा है कि सॉन्ग वायरल हो जाता है तो उनको मौका मिल जाता है गाने के लिए। मैं भी इसी उम्मीद से आई थी सोशल मीडिया पे कि मुझे भी मौका मिलेगा गाने के लिए, और मेरा भी गाना अगर वायरल हो गया तो मुझे भी बुलाया जाएगा, तो इसीलिए आई थी। लेकिन यहाँ तो गाना के साथ साथ रील्स भी वायरल होने लगा। अरे बाप रे बाप, गाने की शुरुआत करते हैं, शुरू में सिंगर बनना चाहती हैं लेकिन सिंगर नहीं बनते, पति इनकम टैक्स है जी, अधिकारी हैं। आज अधिकारी के नाते मैं एक सवाल करूंगा, अधिकारी कभी नहीं चाहता है कि मेरे मान सम्मान पे कोई धब्बा आए, तो नहीं लगता है कि पंडित की वजह से सम्मान पे उनके कहीं धब्बा जा रहा होगा? देखिए ये अधिकारी ही नहीं, ये कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके मान सम्मान पे कोई धब्बा लगे, चाहे वो लेबर हो चाहे वो अधिकारी हो। लेकिन फर्क इतना है कि गलत काम मत करो, रील्स बनाना और गाना गाना कोई गलत बात तो नहीं है। अच्छा, नहीं होता नहीं है कि अरे इसकी मरुआ नाच रही, जैसे यहाँ बिहार में लोग कहते हैं ये ससुरा है क्या होता है कि अधिकार या इसकी बीमारियाँ औरतियाँ नाच रहे, ऐसा नहीं लोग कहते हैं? अभी देखिए ना, पुलिस वाली की वाइफ है एक वीडियो बना रही है, एक गोपालगंज की सब इंस्पेक्टर उसकी माँ उसकी बेटी वीडियो बना रही है। हाँ। तो किसी का पति DM है अभी अभी करके वायरल हुई है, वो वीडियो बना रही है, तो भाई मेरा पति तो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा ही अधिकारी है, कोई इतना DM जैसा तो नहीं ना है, तो हम क्या ही है। और DM हो चाहे कोई, देख कर मन में कुराफात आ गया कि चोर चोर मौसेरे भाई हम भी हो जाएं। नहीं नहीं, वो लोग अभी वायरल हुए हैं और हम एक साल पहले से वायरल हैं। अच्छा। तो हमको बहुत ताना भी मिला था। अब कहते हैं कि जब इंसान को ताना मिलता है तो वो लाइफ में भगवान उसका साथ देते हैं, तो हम एग्जांपल में पहले हमारे कोई नहीं था, पहले हम सोचते थे कि वो मेरे पति हैं कि जो अधिकारी हैं, लेकिन हमको कुछ बनना है लाइफ में। लेकिन अब हमारे एग्जांपल देने के लिए भी DM की वाइफ, तो सब इंस्पेक्टर की बेटी, तो पुलिस वाली की वाइफ, इतने सारे लोग हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग भी देखे ही होंगे। एक चीज बड़ा उम्मीदों पे एक पानी फेर देता है कि लोग देखा देखी धर्म देखा देखी पाप करने लगते हैं, या पाप कर रही हैं कि क्या होता है, एक धर्म की बात कर रही हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है कि इनकम टैक्स के अधिकारी हो चाहे DM हो चाहे क्या होता है कि पुलिस की बीबी हो, समाज को कितना मतलब आप लोग दर्शा पा रहे हैं, समाज में क्या छाप जा रहा है? छाप किया जा रहा है, अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम दिखा रहे हैं और कुछ गंदा नहीं कर रहे हैं जिससे हमारे समाज को गलत प्रभाव पड़े या हमारे वजह से। डांस खूब करती हैं दबा के? नहीं, हम डांस नहीं करते हैं। हाँ। हमारा वीडियो देखिएगा, ज्यादातर हमारा ना मतलब लिपसिंग होता है, ज्यादातर लिपसिंग होता है और बस थोड़ा सा एक्ट होता है, और एक्ट में और डांस में बहुत फर्क होता है। अच्छा, डांस नहीं करती हैं, सिर्फ एक्टिंग करती हैं, एक्टिंग का भूत सवार है उसको एक्टिंग ही बोलेंगे, और एक्टिंग होता है, कॉमेडी होता है हमारा। कॉमेडी करती हैं? कॉमेडी रहता है तो कहीं नहीं कॉमेडी करती। चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को गाना सुनाइए। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे खो न जाए, पास आओ गले से लगा लो,
गाना तो अच्छा गा रहे हैं, आप कितना अच्छा गा रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन लिपसिंग करते हैं, शौक है एक्टिंग करने का, एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेती हैं, रील्स के आधार पे समझ में आ रहा है। क्या बनना चाहती हैं, हीरोइन तो नहीं ना बनना चाहती? आज के लोग ना जैसे ही होते सोचते हैं कि मेरा नाम हीरोइन में आ जाता। आप खूबसूरत भी हैं, देखने में भी है, हर तरह से भगवान ने आपको बनाया है, तो शौक तो एक होगा ही, वक्त आएगा तो हीरोइन भी बन जाएंगे, लेकिन अभी हमको सिंगर बनना है। अच्छा, किसको आप आदर्श मानती हैं इस फील्ड की? हम तो नेहा कक्कर को मानते हैं। नेहा कक्कर जी को मानती हैं? नेहा कक्कर जी तो पंजाबी सॉन्ग करती हैं, हिंदी सॉन्ग करती हैं? थोड़ा बहुत पंजाबी उनका कॉपी हम भी कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा गा लेते हैं। दिखती उनके भीतर है आप। थोड़ा थोड़ा लग रही हैं। अब हूबहू तो कोई नहीं हो सकता है। नेहा कक्कर जी को देखिए, अब ये हैं, ये भी क्या होता है कि उनकी तरह गाने का प्रयास, सभी लोग प्रयास करते हैं, प्रयास हो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है, ऐसा लगता है ना? बिल्कुल। चलिए, अब नेहा जी को मानती है तो बड़ा अच्छा लगा कि नेहा जी को आदर्श मानती हैं। आगे क्या करना चाहेंगी? आगे हम सिंगर बनना चाहेंगे बिल्कुल उनके तरह, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रगल करके अपने लाइफ में इतनी बड़ी सिंगर बन गई हैं आज, और हर भाषा का गाना गाती हैं। वैसे ही हम भी एक दिन सिंगर बनेंगे उनके तरह, और उनसे मिलेंगे, उनसे बोलेंगे कि हम आपको ही देख करके मोटिवेट हुए थे और गाना आज हम गा रहे हैं, तो उनके वजह से ही, क्योंकि हम उनको ही सब कुछ मानते हैं, उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत इमोशनल है, बहुत। बिहार में है और नेहा कक्कर को आदर्श मानते हैं, बिहार में कुल सपनवा डपनवा ना पते का क्या लोग होते हैं सब? देखिए, बिहार में रहते हैं लेकिन हमारा घर भी तो पंजाब में ही है। आप बोले पंजाबी गाते हैं, गाती हैं, तो अब वहाँ पे उनका गाना बहुत चलता है, और वैसे वो यहाँ भी चलता है, लेकिन वो हम उनको इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि वो गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं और गरीबों की बहुत सेवा करती हैं, और हम भी गरीबों का सेवा करना चाहते हैं। जितना हमारा मतलब सोशल मीडिया से कमाई होता है सब हम गरीबों में दे देते हैं। अरे बाप रे, कितना कमा लेती हैं? जितना भी कमाते हैं। इनकम टैक्स वाले अधिकारी से कोई मतलब है नहीं अब, वो छापा मारते रहे। छापा कहाँ से मारेंगे, वो तो दूर की बात है। बहुत लोग है जो कि इनकम टैक्स वाले के घर में भी छापा पड़ जाता है, भाई ब्लैक मनी जो रखेगा उसके घर में पड़ जाएगा। आपके पास ब्लैक मनी नहीं है ना? नहीं नहीं, हमारे पास ब्लैक मनी होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। आप खुदे डरेंगे कहा, सैया भय कोतवाल तो डर का है का, तो आप खुदे जानते हैं कि जब मेरा सैया खुद इनकम टैक्स अधिकारी है तो डर किस बात का है? अगर हमारे पास ब्लैक मनी होता, ब्लैक छोड़ी ना, व्हाइट मनी भी अगर ज्यादा होता ना, तो आज मेरा सपना पूरा हो गया होता। सपना क्या है, चलिए सपना की बात। सपना यही है कि चाहते हैं कि हमारा कुछ सॉन्ग है जो निकले, जिसमें मान लीजिए एक सॉन्ग अगर बढ़िया से निकालते हैं तो 50-60 हज़ार रुपया लगेगा, अगर उससे भी बढ़िया निकालते हैं तो 1-1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तो लग ही जाएगा, तो हम अपना सॉन्ग निकाल लिए होते। पति मना नहीं करते हैं? पति देखिए, गाना गाने के लिए क्यों मना करेंगे? कभी उल्लंघन ऐसा नहीं हुआ कि अरे इनकी पत्नी है, या फिर आपको अगल बगल वाले कुछ ऐसा कभी नहीं कहे? अगल बगल वाले तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अगल बगल वाले क्या कहते हैं? कहाँ तकलीफ होता है कि अरे यार इस तरह से बोल दिया, ठेस तो पहुँचता होगा ना? जैसे मैं आके कह दूँ क्या तुम इनकम टैक्स का अपना अधिकारी है, ऐसे कर रही है? बहुत लोग बोला है, हमारे आस पड़ोस वाले ही बोले हैं। कहाँ लगा कि एकदम दिल को ठेस पहुँच गया? सरकारी नौकरी वाले की वाइफ होती तो रील बनाती, ऐसे वैसे मतलब बात बोलता है तो बहुत। तो अभी शक है क्या कि सरकारी नहीं है? नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकरी वाली की बीवी हो करके रील्स बनाएगी, मतलब ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलता है, तो बहुत तकलीफ होता है। इस तरह से मुझे लगता है कि मैं ही हट जाती हूँ, क्योंकि मेरे वजह से मेरे पति की इंसल्ट हो रही है। अच्छा, फिर मैं ये सोचती हूँ। पति जी नहीं कहते हैं कि तुम हट जाओ, मेरा इंसल्ट हो रहा है? वो मैं सपोर्ट करते हैं। नहीं नहीं, वो देखिए, वो बहुत सीधे साधे हैं, उनके सामने तो कोई बोलता नहीं है, लेकिन जो मैं सुनती हूँ वो मैं अपने मन में लगा लेती हूँ। अगर उनको पता चलेगा ना तो जाके बोलेंगे भाई मेरी बीवी मेरे घर की इज्जत है। आप मतलब फुल सपोर्ट आपका करते हैं? सपोर्ट करे या ना करे, पति और पत्नी का या फिर किसी भी इंसान का ऐसा होना चाहिए कि घर में चाहे जो भी हो, बाहर किसी का किसी को मौका नहीं देना चाहिए बोलने के लिए, बाहर वालों को। सही कह रहे हैं। चलिए, एक ही इनकम टैक्स की पत्नी है और इनकम टैक्स बाबू इनका खूब सपोर्ट करते हैं, सुनते नहीं है, जब सुनती हैं तो उनको क्या होता है कि उनके पे टैक्स भी नहीं लगाती हैं, कि कोई बोलता है तो क्यों नहीं आप छापा मार देते हैं? हम बताते ही नहीं है अपने पति को कि हमको लोगों ने ऐसा ताना मारा है। मान लीजिए अगर हम नाम रख देंगे तो मरद का दिमाग जानते ही है, खून खराबा हो सकता है। अरे बाप रे बाप रे, भगवान ऐसा मत करिएगा। अरे हमारे माता में इसको खून खराबा बोलते हैं। ऐसा मत उनसे कह दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा गाली गुलौज ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, किसी की भी बेटी और बहन को कोई उंगली उठाएगा तो लड़ाई झगड़ा। चलिए, काफी ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग है यार, ये स्टार है, रील्स बनाती है, सिर्फ एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते करते यहाँ तक आए, इनका सपना पूरा हो मैं यही कामना करूंगा। लेकिन नेहा कक्कर जी से अगर मेरा वीडियो देखती है तो इनका सपना पूरा करिए, ये भी आपकी तरह एक चेहरे पे मुस्कान लाना चाहती है, दूसरे के लिए जीना चाहती है कि नहीं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्या लगता है, कामना पूरा हो जाएगा?
आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर हो जाएगा। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा इनसे मिलकर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आजकल ना ट्रेंडिंग चल रहा है। सिपहिया की बीबी वायरल हो गई, तो इनकम टैक्स की बीबी वायरल हो गई, तो डीएम की बीबी वायरल हो गई। आजकल बीबियों का लाइन चल रहा है। अगर काश मेरी भी बीबी वायरल हो जाती तो मैं तो बहुत खुश हो जाता, लेकिन मैं अपने बीबी से बोलता हूँ वायरल है ना, बीबी नहीं है तो। यही तो इस्तफाक है, घर में एक को होना चाहिए। मैं तो बुक ऑफ रिकॉर्ड कर दिया, अमिताभ बच्चन जैसे लोग बुला के सम्मान किए। सोचिए, देखिए वही तो बड़ी बात है। तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरी भी विकास ऐसा होती, हमेशा मतलब सोचता रहता हूँ वो भी कुछ करे। अगर घर में एक वायरल है तो दूसरा हो ही जाएगा। चलिए मित्रों, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।